अस्सलाम वालेकुम। मैंने फेसबुक ऐड लगाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसका जो है वो आउटपुट शेयर कर दूं। आप देख सकते हैं कि अमाउंट स्पेंड कितना है, फ्रीक्वेंसी, रिजल्ट और ये कितना इसका आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। और सेकेंड स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं क्लिक कितने आए हैं। ठीक है, CTR चेकआउट 6 है और वेबसाइट चेकआउट 6 है। ठीक है, तो आप इसकी पोस्ट पर चलते हैं, मैं आपको ज़रा शेयर कर दूँ। आप चाहे तो इस पेज पे आके भी ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कैंपेन थी, ये वाइट लेबल मैं कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट है वेजिटेबल कटर। ठीक है, ये ऑडियंस है, आप देख सकते हैं। और इसका टोटल अगर कॉन्क्लूजन निकाला जाए तो कॉन्क्लूजन ये था कि 898 का जो है वो मैंने एड स्पेंड किया, यानी कि फेसबुक एड लगाया, और उस पर मुझे सेल आई 3600 की। ठीक है, 3600 रुपये की सेल आई। और सेल करने के बाद जो कॉस्ट आई वो ये थी, होलसेल के रेट ये थे। ठीक है, सेटिंग पे 3 ऑर्डर आए थे और उसमें से जो कोरियर चार्जेस है वो ये हैं, और उसके अलावा पैकिंग कॉस्ट आ गया, प्रिंटिंग कॉस्ट आ गया, और ये एड्स स्पेंड के फेसबुक एड्स के टोटल मिला के 3104.8 बने और इतनी की सेल आई। जब इसको मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास 495.2, यानी कि जो 899 रुपये का जो मैंने स्पेंड किया था उस पर 3600 रुपये की सेल आई, और सेल के बाद जो ओवर प्रॉफिट बचा वो 495.2 बना। ठीक है, और ROI क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें देख सकते हैं 55% हुआ ये। ठीक है।